हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है हमारे इस वीडियो में। दोस्तों आज है मंडे और एग्जिट पोल आ चुका है। एग्जिट पोल आने से बीजेपी जो है, यानी कि उसका ज़्यादा सीट आ रहा है तो बीजेपी जीत रही है। फिर से मोदी सरकार आ रहा है तो मोदी सरकार अगर आता है तो मार्केट गैप अप खुलेगा, या कांग्रेस का अगर एग्जिट पोल ज़्यादा आता है तो मार्केट गैप डाउन खुलेगा। ठीक है, ये तो सभी को पता था। तो दोस्तों आज जो है मार्केट काफ़ी ज़्यादा गैप अप ओपन होने वाला है, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी दोस्तों अभी लगभग 847 पॉइंट गैप अप दिखा रहा है। ठीक है, और 3.73% ये ओपन दिखा रहा है ऊपर की साइड में। तो अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी में कितना परसेंट या कितना पॉइंट गैप अप ओपन होगा अभी देखेंगे। तो अभी टाइमिंग हो रहा है दोस्तों 8:45, तो जैसे 9:08 होता है तो दिखाई पड़ेगा कि कितना गैप अप हो रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी। ठीक है, देखते हैं दोस्तों। आज मैं काफ़ी जल्दी आ गया हूँ, क्योंकि आज जो है मूवमेंट थोड़ा आने का चांस है और काफ़ी ज़्यादा गैप अप हो रहा है, लेकिन फिर भी मूवमेंट आना चाहिए। तो देखते हैं दोस्तों, ठीक है, किस तरीके से आज हमारा ट्रेडिंग होगा। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी का यहाँ पे चार्ट ओपन किया है। सिंपली आप यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट कितना बड़ा यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ है। ठीक है, यानी गिफ्ट निफ्टी की बात मैं कर रहा हूँ। और यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं 23,544 का यहाँ पे अभी ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे मैंने डेली टाइम फ्रेम लगाया है। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि 849 पॉइंट यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ है। यहाँ पे 3% यानी 3.74% यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ है। तो मैं इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे ये ओपन होते ही ऊपर की साइड में ही मार्केट ये जो जा रहा है। ठीक है, गिफ्ट निफ्टी, तो गिफ्ट निफ्टी इतना बड़ा गैप अप ओपन हुआ है, तो यहाँ पे अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी कितना बड़ा गैप अप ओपन होता है तो अभी हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिएगा। और इस तरीके का अभी मार्केट अभी चल रहा है, तो टाइमिंग भी आप देख सकते हैं कि अभी 8:48 हो रहा है। यहाँ पर आपको टाइम देखने को मिल जाएगा, तो जैसा भी होता है दोस्तों अपडेट करता हूँ मैं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी अभी यहाँ पर 1382 पॉइंट गैप अप दिखा रहा है, यानी कि 1900 पॉइंट एक गैप अप ओपन हुआ था। और मार्केट यहाँ पे लगभग यहाँ पे देख सकते हैं चल चुका है लगभग 20 मिनट। यहाँ पे 9:36 हो रहा है। और निफ्टी दोस्तों देख सकते हैं 614 पॉइंट यहाँ पे गैप अप दिखा रहा है, लगभग ये भी दोस्तों 800 पॉइंट यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ था। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों मैं दिखा दूँ कि यहाँ पे प्रीमियम कैसे यहाँ पे गिर रहा है। यहाँ पे बैंक निफ्टी यहाँ पे मैंने सेल किया, उसके बाद में मैंने यहाँ पे लगभग यहाँ पे मैंने एक ही लॉट में दोस्तों मैं दिखा दूँ आपको कितना 1366 रुपये का मैंने प्रॉफिट बना लिया है। और मैं यहाँ पे ऑर्डर में आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, देख सकते हैं एक ही लॉट मैंने यहाँ पे सेल किया था, कितना 565 रुपये मैंने सेल किया था, 474 रुपये मैंने इसको बाई किया। तो एक लॉट में दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पे ये पोजीशन में, और पोजीशन दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं 1366 रुपये का मैंने प्रॉफिट बनाया है एक लॉट में। ठीक है, तो और यहाँ पे दोस्तों सिर्फ मैंने अभी एक ही ट्रेड बनाया है। और यहाँ पे दोस्तों मैं आपको दिखा दूँ कि मार्केट जो है क्या कर रहा है। मार्केट दोस्तों देख सकते हैं कि जब जैसे ही मार्केट खुला है बहुत ही फास्ट यहाँ पे गिरा है। लगभग कितना गिरा है मैं आपको दिखा देता हूँ एक एक कैंडल में। यहाँ पे जैसे मार्केट ओपन हुआ थोड़ा सा हाई मारा है, उसके बाद में दोस्तों देख सकते हैं लमसम ये यहाँ तक का लो बना है। तो कितना गिरा है, लगभग 600-700 पॉइंट बैंक निफ्टी गिरा है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हैं कि लगभग 5 से 15 मिनट यहाँ पे सस्टेन कर रहा है, नीचे की साइड में जाने की यहाँ पे ट्राई कर रहा है, या ऊपर की साइड में जाएगा कहाँ आ जाएगा कुछ पता नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप निफ्टी दोस्तों देख सकते हैं, निफ्टी 50 जैसे ही ओपन हुआ देख सकते हैं ये तुरंत नीचे की साइड में गिरना स्टार्ट कर दिया और बहुत ही ज़बरदस्त गिरा है। ठीक है, और कितना पॉइंट गिरा इसको भी मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ, ताकि आपको पता चले कि कितना गिरा है। ठीक है, यहाँ पर मैं इस मेजरमेंट टूल को लगाता हूँ और दोस्तों देख सकते हैं निफ्टी 250 पॉइंट एक ही कैंडल में गिर गया। ठीक है, तो इस तरीके का अभी यहाँ पे कोई जब तक रेंज नहीं बनता है, कोई सेटअप नहीं बनता है, तब तक दोस्तों यहाँ पे ट्रेड करना सही नहीं होगा, क्योंकि एक ही कैंडल में इतना गिरावट हो चुकी है और मार्केट काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर गैप अप ओपन दिखाया है। तो यहाँ पे जब तक कुछ बनेगा नहीं ऊपर की साइड में प्राइजेक्शन या नीचे की साइड में, तब तक यहाँ पे कोई एंट्री नहीं होगी। और मैंने सिर्फ एक एंट्री बनाया था, सेल साइड बनाया था इसकी वजह से, क्योंकि मार्केट गैप अप ओपन हुआ था तो थोड़ा बहुत नीचे की साइड में आ सकता था। ठीक है, तो अभी नीचे की साइड में आने के बाद फिर से ऊपर की साइड में ट्राई कर रहा है ऊपर जाने के लिए। 50,000 लमसम ही आया यहाँ पर देख सकते हैं, 50,200 मतलब 250 के ऊपर ही यहाँ पर सस्टेन कर रहा है बैंक निफ्टी।
तो इस तरीके से दोस्तों टाइमिंग भी देख सकते हैं, 9:00 भी यहाँ पे 40 मिनट हो रहा है और मार्केट ऊपर की साइड में खुलने की वजह से तो थोड़ा यहाँ पे सेलिंग आ रहा है। और मार्केट में पूरा दिन अगर सेलिंग आया तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त मार्केट गिरेगा और पुट बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। तो देखते हैं क्या होता है दोस्तों, और कोई ट्रेड करेंगे तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ बताता हूँ, लेकिन अभी यहाँ पे कुछ ट्रेड बन नहीं रहा। ठीक है, तो एक ट्रेड मैंने बनाया, यहाँ पे आपको प्रॉफिट भी दिख रहा होगा और यहाँ पे दोस्तों पोर्टफोलियो में दिखा दूँ, यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके का मैंने यहाँ पे सिर्फ 15 क्वांटिटी मैंने सेल किया था, काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम हाई है और टूटेगा तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बन जाएगा, तो यहाँ पे बन चुका है। ठीक है, लगभग मैंने यहाँ पे 90 पॉइंट कैप्चर किया, 1366 रुपये का प्रॉफिट बनाया। ठीक है, ज़्यादा लॉट होता तो और भी प्रॉफिट बनता, एक ही लॉट में मैंने यहाँ पे 90 पॉइंट कैप्चर किया। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देख सकते हैं कि किस तरीके से मार्केट गिर रहा है अभी, और धीरे धीरे अभी यहाँ पे सस्टेन करेगा कि ऊपर की साइड में जाएगा, क्या होता है देखते हैं। ठीक है, वेट करते हैं।